लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक सेकंड में काम कर रहा है हमारे साथ। हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो चाहते हैं, वही हमारे साथ होता है। नमस्कार दोस्तों, तूलिता ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें कैसे हेल्प करती है, हमारी मदद कैसे करती है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते, यानी कि उनके द्वारा दी गई इंगित, यानी हमें वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सारे इंगितों को हम समझे तो समझे कैसे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम, हमने इतने सारे ट्राई कर लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है। हालाँकि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और साथ में इसकी क्या क्या ऊर्जाएं होती हैं जो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर सीधे तरीके से कहा जाए ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम, ये बहुत ही सरल है। ठीक है, और ये सरल इसलिए है क्योंकि जिस वस्तु, जिस व्यक्ति पर, जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करने के लिए आप बाध्य कर देते हैं। जी हाँ, तो ये होती है आकर्षित करने की योग्यता, यानी कि मुझे कोई चीज चाहिए तो उस चीज को हम उस तरीके से जीते हैं कि वो चीज़ पर हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जैसे कि वो मिल गई है, वो हमें कैसे आनंद दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वहीं पर बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम भी होते हैं जिनसे हम लोग प्रभावित होते हैं, जैसे कि आकर्षण का नियम। देखिए, ये भी ना एक नियम ही है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। हम सब ब्रह्मांड के कुछ नियमों के सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। ये आप लोगों को मानो नहीं मानो, लेकिन ये हकीकत है कि उनके नियमों के द्वारा ही हम ऐसे बंधे हुए हैं कि बंधन के रूप में अगर हम लोग इसे लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक मनुष्य ही है जो कि इन नियमों को, सिद्धांतों को समझ सकता है, क्योंकि और उनमें सोचने की क्षमता होती है, उनमें कार्य करने की क्षमता होती है, उनमें एक इमोशन क्रिएट करने की क्षमता होती है। जैसे कि मुझे अभी रोना आ रहा है, किसी चीज पर दुख हुआ है तो मैं रोऊंगी ना, ये तो मेरे फीलिंग्स है, ये तो मेरे इमोशंस है। मुझे दुख मिला है तभी जाकर मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि ये हम अपने सेल्फ से बार बार ये फील करा दे रहे हैं कि हमें दुख हुआ है। उसी तरीके से जब हमें खुशी मिलती है तो हम अपने सेल्स को, अपने अवचेतन मन को ये बाध्य कर देते हैं कि ये खुशी मिली है तो अभी मुझे खुशी होना है। और ये ऐसी हो गई है, एक ऐसे स्टेज पर आ गई है जिस स्टेज पर अब अवचेतन मन को ये नहीं सिखाना पड़ता है कि अभी हम दुखी हैं, अभी हमें रोना है, या फिर हम खुश हैं, हमें हंसना है। ये उसके आदतों में आ गई है क्योंकि ऐसा हमने अवचेतन मन को ऐसा ट्रेंड कर दिया है, राइट? ठीक उसी तरीके से सिर्फ मनुष्य ही है जो इस तरह इन नियमों को बदल भी सकता है।
देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य में ही ये फीलिंग्स होती है कि आप अपने नियमों को किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से मैं बता रही हूँ कि यूनिवर्स जब हमें कोई चीज़ इंगित करती है या फिर कोई कुछ बताने की कोशिश करती है तो हमारे साथ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप एक लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, 5 मिनट के लिए आपने कहीं पर रुक लिया, ठीक है, आपने रोक लिया, अचानक से आपको जाना था लेकिन आपको लगा कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक कर चाय पी लेते हैं। कुछ देर के बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुई होती है ना, एक एक्सीडेंट हो रखी है, लोग जम गए हैं, भीड़ हो गई है, फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है एक्सीडेंट हो गई है। लेकिन इसी रास्ते पर 5 मिनट पहले अगर हम चाय पीने के लिए नहीं रुकते तो शायद ये हादसा हमारे साथ हो गया होता। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ये हम लोग कह बैठते हैं कि किस्मत अच्छी थी, नहीं, ये कहीं ना कहीं ये इंगित थी कि अभी रुकना है, तभी जाकर हम अचानक से प्लान को बदल लेते हैं और हम चाय पीने के लिए चले जाते हैं या फिर किसी भी कारणवश हम 5 मिनट डिले कर जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें बताता है, इंगित देता है। एक और छोटी सी एग्जाम्पल आप लोगों को दे देती हूँ। मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, सारी तैयारियां हो गई, सारे पैकिंग शैकिंग हो गए, सब कुछ हो गया, बस जिस दिन जाना है उसके एक दिन पहले कोई ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि हमें अपना टूर कैंसिल करना पड़ता है। शुरुआत में तो बहुत गुस्सा आता है, शुरुआत में तो हमें ये लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, हम लोग ऐसी बातें कहते भी हैं। लेकिन बाद में आपको जाकर पता चलेगा कुछ चीज़ें कि आपको लगेगा कि नहीं, अगर उस दिन नहीं रुकते, अगर उस दिन हम नहीं जाते तो हमारे साथ कुछ अघटन जरूर होता। लेकिन अगर चले जाते तो उस अघटन के बीच में हम रहते, यानी उस दुर्घटना के बीच में हम रहते और शायद ये सोचने के लिए भी आज हमारे पास जिंदगी नहीं होती। ठीक उसी तरीके से कभी कभी किसी किसी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को भी हम मिस कर जाते हैं। अगर हम गए होते, ऐसा हम सोचते हैं, अगर हम गए होते तो शायद आज मेरे पास बहुत कुछ होता, लेकिन आज हम यहीं पर हैं और गए नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को हमने लिया नहीं, तो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यानी पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, लेकिन ये इंगित यूनिवर्स हमें देती रहती है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पर विचार करना है, किस पर विचार नहीं करना है, राइट? अब यहाँ पर बात आती है कि आकर्षण के नियम जो है ना, ये एक हिस्सा है आपकी दौड़ती जिंदगी में। अगर हम हमेशा ये सोचे कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ बुरा ही होगा, यानी आने वाला जो भी सिनेरियो है वो धीरे 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 आपकी सोच के हिसाब से वो अपनी दिशा बदलते रहेगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो देखिए वैज्ञानिक को अगर हम लोग माने कि साइंटिस्ट भी ये मान जानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति एक दिन में आकर्षण के नियम को बहुत बार अपनाता है। लाए हमारे मस्तिष्क की जो शक्ति है, हमारी सोच की जो शक्ति है, वो एक शक्ति का रूपांतरण करके या फिर कह लीजिए उसका अपने से अनुवाद करके, अपने से मीनिंग को समझकर हमारे विचारों और हमारी जितनी भी फिजिकल नीड्स होती है या फिर फिजिकल वस्तुओं पर वो अपनी चाहत को डाल देती है, प्रकट करती है, है ना। तो सीधी भाषा में अगर कहें कि आखिरकार सभी विचार जो है ना वो भौतिक वस्तुओं का ही रूप ले लेती है। यानी हम क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु के रूप में ही हम लोग मांगते हैं, है ना। कभी ये नहीं कहते कि मन में शांति देना, कैसे शांति देना, तो हम जो मांग रहे हैं वैसे शांति देना, यानी हम उस इंसान से उसके रवैये को चेंज करने के लिए कह रहे हैं। इस तरह की चीजें हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही साधारण सा नियम है और वो ये है कि आप अपनी विचार शक्ति को जिस भी विचार पर केंद्रित करते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी शक्ति को जिस भी विचार पर केंद्रित करते हैं ना उसे अपनी एनर्जी देते हैं, इंटेंशन देते हैं, इमोशन देते हैं, वो चीज हमारे पास आकर प्रकट हो जाती है। ध्यान रखिए ये नियम अंतर करने में, भेद करने में
ये आकर्षण का नियम इसे समझ नहीं है, इसे किसी भी तरीके का पता ही नहीं है कि क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या हाई डिमांड से, क्या लो डिमांड से, ये कुछ भी यूनिवर्स को पता नहीं है। मतलब अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब, देखिए मतलब ये है कि अगर आप ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव चीजों को एनर्जी देते रहेंगे, अपने इंटेंशंस देते रहेंगे, तो ये नियम जो है, ये ऊर्जा जो है, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट से देगी। ठीक है, आपके जीवन में वो ऐसे ऐसे सिचुएशन को खड़ा कर देगी जिस सिचुएशन को शायद आप सोच भी नहीं सकते थे, और आप जिस चीज से भाग रहे थे वही चीज आपके पास लाकर खड़ा कर देगी ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स पर अपनी ऊर्जा को देंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे या फिर बहुत ज्यादा उसके लिए प्रे करेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूं, लेकिन एक सोच की जो शक्ति होती है ना, अगर अपनी एनर्जी को हम उस पर ही इन्वेस्ट करें, तो देखिएगा ये जो आकर्षण का नियम है, ये आपके पास वैसे सिचुएशन लाकर खड़ी कर देती है जिससे आपको खुशी जरूर मिलती है, और इस खुशी को आप पॉजिटिव वे में बयां भी करते हैं। तो क्या होता है, जिस चीज से आपको खुशी मिली है वो चीज आगे जाकर और ज्यादा आपको खुशी देनी शुरू कर देती है ना। तो बहुत सी चीज है जो हमें जानने की जरूरत है, बस एक चीज, एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि यूनिवर्स छोटी बड़ी, गलत झूठा सच, ये सारी चीजों में कोई भेद नहीं करता है। ठीक है, ये कोई भेद नहीं करता है, जिस वजह से ये नियम जो है, ये नियम सिर्फ उसी के बेस पर काम करता है कि आप इसे क्या सोच रहे हो। ये तो सिर्फ ऑर्डर को पूरा करता है कि आप इसे क्या ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे मानवता के कारण हम जो ह्यूमंस हैं, ये हर वक्त हर पल एक मैग्नेट की तरह अपने विचार को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी विचार शक्ति को हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स को भेज रहे हैं, और साथ में यूनिवर्स वही चीज हमें रिटर्न कर रही है जो चीज हम यूनिवर्स से थ्रो कर रहे हैं यूनिवर्स को, और यूनिवर्स वही चीज हमें वापस लौटा रही है। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ जाएंगे कि ये एक मैग्नेट की तरह है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये हमें हर एक पल इंगित देते रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी आपके सामने आकर खड़ी होकर आपको कहेगी कि ये नहीं करना है ये करना है, ऐसा नहीं है। वो आपके दिमाग में कुछ परिवर्तन करना शुरू कर देती, या फिर आप अगर नेगेटिव भी सोच रहे हैं तो वो आपको कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं भी हो जाती है जिस समय आपको उस ऊर्जा, उस शक्ति को आप समझना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए शायद इसके ऊपर मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं बनाऊंगी, बनाना चाहिए भी, ताकि मैं आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं, ताकि ये सारे क्वेश्चंस ना आए कि मैम मेरे ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। मैं बार बार कहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक सेकेंड में काम कर रहा है हमारे साथ। हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो चाहते हैं, वही हमारे साथ होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।